नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। हम यहाँ पर मैथ में चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित ही एक और चैप्टर है अपना डिस्काउंट, आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अपना कल प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर फिनिश हो गया था, तो उसी से संबंधित है, उसी से रिलेटेड अपना डिस्काउंट बचता। इसे पढ़ने से पहले पर इसके कुछ पर जान लेते टर्म जान लेते हैं। क्या एक अंकित मूल्य, अपन ने लाभ हानि में जाना था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए वो क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या था? जिस पर कोई वस्तु बेची जाए उसे अपन विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु पर जो एमआरपी लिखी होती है या अपन जिस पे मूल भाव कर सकते हैं, डिस्काउंट लेना चाहते हैं, उस पर अपन क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। डिस्काउंट मतलब बचता। जैसे अपन किसी शॉप पर गए और अपन को डिस्काउंट चाहिए तो अपन किस पे मांगेंगे? अंकित मूल्य। और दुकानदार भी अपन को डिस्काउंट किस पे देगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे जो मूल्य वो कम करता है, जिस मूल्य में वो कटौती करता है वो अपना डिस्काउंट होता है, और जिस मूल्य से वो कम करता है वो अपना अंकित मूल्य हो जाता है। अंकित मूल्य में डिस्काउंट के बाद अपन को जो मिलती है वो क्या हो जाता है? अपना विक्रय मूल्य। मतलब विक्रय मूल्य जब अपन डिस्काउंट देंगे तो अपन अंकित मूल्य पर निकालेंगे, और लाभ हानि पर किस पर निकालते थे? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर। अब इसके बाद अपन जानते हैं क्वेश्चन में दिया अपना बट्टा श्रेणी। तो बट्टा श्रेणी क्या होती है? लगातार एक से अधिक अगर अपन किसी पर डिस्काउंट दें तो वो बट्टा श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, संतुल्य बट्टा क्या होता है? संतुल्य बट्टा जैसे किसी दो या तीन बट्टों के बराबर कोई एक एकल बट्टा दिया जाए तो वो अपना संतुल्य बट्टा कहलाएगा। जैसे अपन को दे दी 10, 5 और 20 के बट्टे दिए तो उसको सोल्व करके अपन एक बट्टा निकालें, उससे अपन कहेंगे संतुल्य बट्टा। इसकी एक खास बात है, ये हमेशा बट्टा श्रेणी के जो बट्टे होते हैं उनके योग से हमेशा कम होता है। ठीक है दोस्तों, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अपन को सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य पर अगर डिस्काउंट अपन काट देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? अपना विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या है अपना? 1000। ठीक, इस पर अपना बट्टे काटो तो क्या हो जाएगा? एसपी बराबर 1000 रुपए। पहले कितने का बट्टा मिला? 10% का। बट्टा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मूल्य? 90%। ठीक है दोस्तों, 90 बचे 100। इसके बाद 5% का बट्टा और देगा तो कितना बचेगा? 95/100। 5% देगा, फिर 20% का बट्टा उसने और दिया, डिस्काउंट और दिया तो कितना हो जाएगा? 80/100। बट्टे पे बट्टा ही दे रहे, जो भी अपना मूल्य होगा उसी के ऊपर अपन को अगला अपना डिस्काउंट मिलता है। जैसे एक बार डिस्काउंट दे दिया उसने, अब जो मूल्य बचेगा दुकानदार अगला डिस्काउंट उसी मूल्य पर अपन को देता है। ठीक है, 1000 पहले 10% कर दिया तो 90/100, फिर कितने का दिया? 5% का तो 95/100, फिर दिया 20% का तो 80/100। अब इनको अपन सोल्व करते हैं। पांच दूनी 10, 19 पंचे 95, 2 चौक 8, इनके गुणा करो 19 नंबर 171 × 4, 4 × 4 = 28, 4 × 4 = 2, 684 रुपए। उसका अपना एसपी कितना हो गया? 684 रुपए। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है, 20% 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य फिर दीजिए अपन को 100 रुपए। क्या निकालना अपन को? विक्रय मतलब एसपी। 100 रुपए पहले कितने का बट्टा दे रहा है वो? 20% का, तो क्या हो जाएगा अपना? 80/100। फिर कितने का दे रहा है? 40 का, तो 60/100। 100 में से माइनस करके लिखेंगे हमेशा, डिस्काउंट क्या होता है? 100 में से माइनस, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 × 6 = 48। उसका एसपी हो जाएगा 48 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल रहे थे। अब इसमें क्या पूछा है अपन को? अंकित मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे? अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपए।
₹600 विक्रेता 20% का पट्टा देने के बाद 20% लाभ प्राप्त अंकित मूल्य पे बच्चा किस पे दे दिया अपन अंकित मूल्य पे और लाभ किस पे मिलता है अपन को क्रय मूल्य पे। ठीक है दोस्तों, तो ₹600 अंकित मूल्य 20% का बट्टा देंगे तो कितना हो जाएगा वो 80/100। अंकित मूल्य पे बट्टा देने के बाद अपन को क्या प्राप्त होता है अपना SP मतलब विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। और फिर अपन ने मान देखा क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य एक्स वो क्या 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो एक्स पे क्या 20% लाभ क्या हो जाए 120/100। क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त करने के बाद भी अपन को क्या मिलता है SP मिलता है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद जो मिलता है वो भी अपना SP होता है, और क्रय मूल्य पर लाभ लेने के बाद जो मूल्य होता है वो भी अपना क्या होता है SP होता है। एक ही वस्तु के दोनों SP थोड़ी ना होंगे, इसको SP होगा सेम दोनों का, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे बराबर 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 5 7 एक्स बराबर 400 अपना आ जाए आंसर आ जाएगा क्या प्राप्त हुआ वस्तु का क्रय मूल्य हो गया ₹400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मेज का सूची मूल्य ₹800 है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। फिर अपन सूची मूल्य क्या होता है अंकित मूल्य से ही अपन सूची मूल्य जो उस पर प्रिंटेड होता है उसी को अपन सूची मूल्य या अंकित मूल्य कहते हैं। अब सूची मूल्य अपन को दिया है ₹800, इस पे अपन डिस्काउंट करेंगे 25% कितना बचेगा 75/100 बराबर किसके हो जाएगा एक्स मान लिया क्रय मूल्य उसका 120/100 20% का लाभ है तो 120/100 दोनों SP बराबर सॉल्व करेंगे 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 3 12 4 से 20 3 से काटें 3 2 6 3 5 15 एक्स बराबर क्या है 20 × 25 500 तो अपने को एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई ₹500। मतलब बस मेज का क्रय मूल्य कितना है अपना ₹500, सूची मूल्य कितना था उसका ₹800। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी अपन क्या कर रहे थे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल रहे, अपन उल्टा करेंगे अब विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर जाएंगे। कैसे देखो, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर ₹24 में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे जा रहे थे, अभी अंकित मूल्य दिया था अपन को उसमें से डिस्काउंट कर दिया बराबर क्या मिल रहा था अपन को विक्रय मूल्य। अब मान लेंगे अपन अंकित मूल्य अपना एक्स, ठीक है, तो एक्स पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे अपन को 20% का, 20% डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य कितना बचेगा अपना एक्स का 80/100 बराबर कितना दिया अपन को 24 के, ये अपन ने विक्रय मूल्य निकाल दिया एक क्वेश्चन में दिया, दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर सॉल्व करेंगे इसको 1 0 1 0 कैंसिल, 8 3 24 एक्स बराबर ₹30 अंकित मूल्य हो गया ₹30, उस पर अपन ने 20% डिस्काउंट दिया और ₹24 में वस्तु को बेच दिया। ठीक है दोस्तों, वैसे अपन देख लें अगला क्वेश्चन, पर इसमें क्या है दो छूट दिए, मतलब दो डिस्काउंट दिए हैं। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य ₹864 है जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है, सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अपन अंकित मूल्य मान लेंगे एक्स, अब डिस्काउंट क्या है अपन ने दिए एक डिस्काउंट 20% का, तो क्या हो जाएगा पहले मूल्य 80/100 एक डिस्काउंट पर, दूसरा डिस्काउंट और दिए 10% कितना हो जाएगा 90/100 बराबर कितने बेच दी वस्तु 864 में। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे 9 9 81 5 5 5 4 54 9 6 54 8 से काटेंगे 12 12 12 8 96 एक्स बराबर क्या जाएगा 12 × 100 ₹1200, मतलब उसका अंकित मूल्य था उस पर ₹1200, दो क्रमिक छूट के बाद अपन को वस्तु कितने में बेचनी पड़ी ₹864 में। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी, ये अपन को निकालना है। अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रख रहे हैं और 25% छूट दे रहे हैं, तो लाभ या हानि अपन को निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो अपन को क्या कह रहे हैं परसेंट लाभ या हानि, अपन ने क्वेश्चन ये थे किसी त्रिभुज की लंबाई को, त्रिभुज की आधार को इतना बढ़ाया जाए 5%, ऊंचाई को 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, वैसे अपन इसको भी सोल्व कर सकते हैं। परसेंट लाभ हानि बराबर क्या होगा
एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर अधिक रखते हैं तो x का मान कैसा लेंगे प्लस, कम रखते हैं तो x का मान माइनस। ऐसे डिस्काउंट के लिए y का मान कैसा आएगा माइनस, डिस्काउंट मतलब क्या होता है कम करना हो। कम का मतलब क्या है, मान को अपन किस में रखना है माइनस में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रखते हैं x बराबर क्या है, x का मान 20% बढ़ाकर रखा गया। बढ़ाकर का मतलब क्या है, ज्यादा रखा गया, ज्यादा किस में लेंगे अपन प्लस में। फिर 25% छूट दी गई, छूट का मतलब क्या है डिस्काउंट, मतलब जितना मूल्य था उससे 25% कम कर दिया गया। कम का मतलब माइनस, तो y का मान 25 प्लस x का मान 20 और y का मान माइनस 25 अपॉन 100। 20 में से 25 माइनस हुए तो माइनस 5 माइनस हो जाएगा यहाँ बीच में, 20 5 100 और 25 5 यहाँ पर कितना आएगा -10%। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है अपन को हानि हो रही है, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो अपन को क्या होगा लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे दिया, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य इतना बढ़ाकर रखा गया है, अगर कम रखते तो अपन क्या लेते इसका मान माइनस में, बढ़ाकर रखा तो उसमें लिया अपन ने प्लस में, फिर उसे 25% की छूट होती है तो y का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस में, क्योंकि छूट क्या होती है अपने कम करना है मूल्य को, तो मतलब y हो जाएगा अपना माइनस में। x का मान 20, y का मान माइनस 25, 25 में 20 हुए तो माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 20 5 100 और 25 तो बीच में आ जाएंगे माइनस 5 और -5 -10। ठीक है दोस्तों, तो -10 माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है 10% की हानि, 10% की हानि हुई उसको। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम ने एक अलमारी का मूल्य क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया, यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने % लाभ या हानि होगी। ठीक है, लाभ या हानि बराबर क्या है, % लाभ या हानि बराबर एक्स कितना है 30% बढ़ाकर तो प्लस में, 20% की छूट तो माइनस में, या प्लस एक्स का मान 30 माइनस 20 अपॉन 100। ठीक है, 30 में से 20 माइनस होगा क्या बचेगा 10, माइनस प्लस माइनस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 2 6 10 में 6 माइनस होंगे 4% प्लस में आया मान, तो अपना क्या हुआ अपन को लाभ, 4% का लाभ अपन को हो गया। ठीक है दोस्तों, अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी अपन ने क्या किया था, छूट दे रहे थे वो और इतने % बढ़ रहा था, तो अपन कितने % का लाभ या हानि होगी। अब ये क्या कह रहे हैं, इतने % की छूट देकर इतने % का 20% की छूट देकर 12% लाभ ले रहे। तो ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा, अभी पहले से बढ़ा रहे तो पूछे थे कितना लाभ या हानि होगी, अब लाभ या हानि बता रहे और कितने % बढ़ाकर रखना भी पूछे, तो उसी फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं % लाभ या हानि बराबर, % हानि बराबर क्या था अपना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 % लाभ या हानि, अपन क्या किया लाभ, तो 12 लाभ हो गया। x का मान अपन मान लिया अपन x % बढ़ाकर रख रहे हैं, ठीक है x का मान x ही रखेंगे, वो कह रहे 22% की छूट मतलब 20% छूट, तो y का मान क्या रख देंगे अपन 20 माइनस में, क्योंकि छूट का मतलब क्या है कम करना, तो माइनस में प्लस x % बढ़ा रहे तो x का x 20% की छूट तो माइनस 20 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे इसको, 20 का ऐड करना होगा 12 और 20 32 एक्स प्लस माइनस माइनस 20 5 100 एक्स अपॉन 5, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्या बचेगा 32 बराबर 4x अपॉन 5, 5 एलसीएम 5x माइनस एक्स 4x 4x अपॉन 5, 4 से 32 8 बार एक्स बराबर आ जाएगा अपना 8 5 40%, मतलब मूल्य को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अगर बढ़ाकर रख देंगे तो 20% डिस्काउंट के बाद भी अपन को क्या 12% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे किया, लाभ बराबर एक्स, एक्स % बढ़ा दिया इतने % का डिस्काउंट माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 20 अपॉन 100 × 5। ठीक है दोस्तों, तो एक्स का मान मिल गया अपन को 40। अब इसी को अपन एक तरीके से और देख सकते हैं, देखो कैसे, अगर फॉर्मुलेशन नहीं आया तो अपन तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अपन ने यहाँ लिखा अंकित मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य,
ठीक है, अपन इसको स्वमान्य कर सकते हैं, 20% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना। मान लिया अंकित मूल्य हो गया अपना 100, ठीक है, तो क्रय मूल्य अपना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20% छूट देने के बाद 80, अंकित मूल्य पे छूट देते हो क्या मिलता है अपन को एसपी, तो विक्रय मूल्य अपना कितना हो गया 80, 100 में 20% का डिस्काउंट तो 80। अब क्या 12% लाभ लेने के लिए 12% लाभ किस पे मिलता है अपन को, क्रय मूल्य पे। मान लिया अपन को क्रय मूल्य एक्स है, तो x का 112/100 बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य की 80। सॉल्व करेंगे इसको, आठ से कट जाएगा, आठ एकम आठ, आठ चौको 32, ठीक है, दो से कट जाएगा 7, 5, x बराबर कितना मिलेगा वहां से अपन को 500/7, अपन को क्रय मूल्य मिल गया 500/7। अब वो कह रहे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा, क्रय मूल्य से कितने परसेंट पे निकाले कितना ज्यादा है अपना क्रय मूल्य, कितना ज्यादा है माइनस करो दोनों को, 100 - 500/7 करो माइनस, कितना आएगा 700 - 500/7 बराबर 200/7 अधिक बराबर, कितना अधिक आ गया अपने 200/7, कौन अधिक आ गया अपना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100 है जी, 500/7 है, क्रय मूल्य अपना कम है, अंकित मूल्य अपना ज्यादा है, ठीक है, तो 100 में से अपन ने क्रय मूल्य को माइनस कर दिया तो क्या आया अपना अधिक आया 200/7, अंकित मूल्य 200/7 परसेंट मूल्य कितना ज्यादा है जी अपन को, जी अपन को निकालना है परसेंट अधिकता कितना ज्यादा, 200/7 ज्यादा है, किससे ज्यादा निकालना था अपन को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, किससे ज्यादा निकालना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नीचे इंटू 100, 7 से 7 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचेगा 2/5 × 100, 5 × 2 = 10, 40% अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे स्वमान के भी कर सकते हो, यहाँ पे जाएगा वो फॉर्मूला परसेंट लाभ है परसेंट हानि बराबर x + y + x/100, x का मान प्लस में ले रही और y का मान माइनस, क्योंकि y अपन छूट मान ले रहे और x को अपन अधिकता या कम मान ले रहे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना होगा। ऐसे अपन चाहे कैसे करते हैं परसेंट लाभ या हानि बराबर क्या है x + y + xy / 100, परसेंट लाभ कितना हो रहा अपन को 20 बराबर, अधिकता अपन को पता नहीं x मान लेंगे, डिस्काउंट कितने का है 25 का, तो -25 प्लस x का मान अपन को नहीं पता -25/100, ठीक है, 25 से 4 बार इस 25 को एक्स्ट्रा जाएंगे कितना हो जाएगा 20 + 25 = 45 बराबर x - x/4, ऐसे लेके सॉल्व करेंगे 4 * 4 = 4 4x - x क्या हो जाएगा 3x/4, 3 से 45 = 15 बार x बराबर आ जाएगा अपना 60%, मतलब 60% मूल्य को बढ़ाकर रखना होगा तो अपन को 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा 25% डिस्काउंट के बाद में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपन ने पढ़ा था समतुल्य वेक्टर, तो अपन समतुल्य वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, जैसे दिया 10% और 20% का समतुल्य वेक्टर ज्ञात कीजिए, तो 10% 20% के दो वेक्टर अपन को दिए गए हैं, जब अपन समतुल्य वेक्टर निकालेंगे क्या निकलेगा वो इनसे कम ही निकलेगा, ठीक है, अपन को लगता है कि अपन को डिस्काउंट ज्यादा मिला है, पर समतुल्य वेक्टर देखा जाए तो अपन को डिस्काउंट कम मिला है, ठीक है, समतुल्य वेक्टर उनका निकाले तो अपन को बाद में पता चलेगा कि अपन को 10 और 20 मिला है कितना, अपन को लगा 30% डिस्काउंट मिल गया, पर जब अपन का समतुल्य वेक्टर निकालेंगे तो 30% से भी कम आए, तो निकाले कैसे निकालेंगे समतुल्य वेक्टर बराबर x + y + xy / 100, जो फॉर्मूला अपन कर रहे थे उसी से अपन इसको भी सोल्व करेंगे, x का मान कितना है 10 बच्चा है तो मतलब क्या है माइनस में लेना अपन को, अभी अपन पढ़ चुके हैं कि डिस्काउंट को किस में लिए थे माइनस में, तो -10 y का मान -20 प्लस x का मान -10 × -20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा -10 और -20 - 30 -2 कितना आया -28%, मतलब कितना आया अपन का जोड़ने पर जाए देखने से लग रहा है अपन को 30% पर अपना समतुल्य वेक्टर कितना है 28%, मतलब 2% का अपन को बाकी में नुकसान हो रहा है, ठीक है, इसी प्रकार अपन 3 का देखते हैं, 2 का तो अपन ने जाएगा, 3 का अपन कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, किससे समतुल्य वेक्टर इन दोनों का निकलेगा 20%
और 25% का समतुल्य बच्चा। ठीक है दोस्तों, क्या निकलेगा समतुल्य बच्चा बराबर -20 -25 +-20 × -25/100 -20 और -25 -45। इनको सोल्व करें तो क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 20 × 100 5 से 25 बार 5 बार तो कितना आएगा +5। -45 + 5 कितना बचेगा -40। अपन को इन दोनों का एक समतुल्य बट्टा मिलेगा -40, एक अपना क्या अलग से 10, तो इन दोनों को मिला के करेंगे अपन 40% और 10% का समतुल्य बट्टा। मतलब एक ही फॉर्मूले को अपन दो बार लगाया, पहले दो को मिक्स करके क्या निकालेंगे एक बट्टा, फिर तीसरे को उसके साथ लेकर निकालेंगे अंतिम लास्ट में जो आंसर है वो निकालेंगे। क्या हो जाएगा -40 -10 + -40 × -10/100। दो जीरो कैंसिल, -10 और -40 -50, -40 + 4 तो कितना आ गया अपना 46%। मतलब 20, 25 और 10 का संतुलन बट्टा अपना कितना आया 46%। मतलब इनको जोड़ने पे कितना मिल रहा अपन को 55 पर, बाकी अपन को कितने का बट्टा मिला अपन को 46% का। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।